पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नए साल का आगाज करने के साथ ही साथ नवोदय संस्था की ओर से मंगलवार को वार्षिक उत्सव भी मनाया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्रों के सम्मान के साथ ही साथ कपल गेम्स, नृत्य गीत, संगीत का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अरविंद रस्तोगी, अध्यक्ष उमेश चंद्र रस्तोगी, मनोज किशोर, अमित रस्तोगी व नीलम रस्तोगी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर फैंसी डोज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें रति रस्तोगी, आराना रस्तोगी, ईशानी, आरोही ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान दृश्य व आरव ने सुंदर गीत भी सुनाए। नृत्य प्रस्तुति में शौर्य, आकर्ष, इशिका ने शानदार प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान अमित रस्तोगी, नीलम रस्तोगी, मनोज रस्तोगी, विपिन आदि मौजूद रहे। हाँ देखिए, मैं संस्था नवोदय का सचिव हूँ। हमारी संस्था एक ही है, प्रेम एंड सौहार्द की संस्था है, पारिवारिक संस्था है, जिसमें कि हम लोगों का उद्देश्य होता है कि इसमें जो हमारे संस्था के सदस्य हैं इनके बच्चों का डेवलपमेंट हो, विकास हो, एजुकेशनल विकास हो, इनका सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन बच्चों को मंच पे आने का एक अवसर मिले और इसके साथ साथ एक समग्र इनकी पर्सनैलिटी का विकास हो। इसके साथ ही हमारे मनोरंजक कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें कि हम लोग सब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। और आज हम अपना संस्था का 30वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। पिछले कितने वर्ष से चला ये संस्था? 30वें वर्ष में है। सन 86 में ये संस्था प्रारंभ हुई थी और अब इस संस्था को लगभग 29-30 वर्ष हो चुके हैं। और आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से, क्या उद्देश्य है? देखिए, इस संस्था का उद्देश्य यही है कि हम लोग आपस में एक पारिवारिक कुटुंब की तरीके से रहें, भाईचारे के साथ रहें और ख़ासकर जो हमारे बच्चों का एक एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो, इसके साथ साथ उनको उनकी जो एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, मंच पे आने की उनको शिक्षा मिले और अच्छी तरीके से वो एक पब्लिक स्पीकिंग कर सके। तो ये सब हमारी संस्था के उद्देश्य हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली बच्चों का विकास हो, यही हम इस संस्था में उद्देश्य रखे हुए हैं।